नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब में। बात करने वाले झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में। ऑनलाइन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे दो एरर देखने को मिल रहे हैं। तो पहला एरर दिस सर्विस इज अनेबल करके आ रहा है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है ये देख सकते हैं, ये बिग प्रॉब्लम है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये प्रॉब्लम काफी लोगों का आ रहा है। ये दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाले हैं, साथ ही साथ बताने वाले कि झारखंड राज्य फसल राहत का आखिरी डेट क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिस सर्विस इज अनेबल। ये बहुत ऐसे प्रज्ञा केंद्र संचालक हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहां पे जाते हैं वैसे ही ये प्रॉब्लम आता है, दिस सर्विस इज अनेबल। तो दिस सर्विस इज अनेबल को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग ब्राउजर में सर्च करना होगा। क्रोम ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं, वहां से आप सुखाड़ का फॉर्म भर रहे होंगे, उसको बदल देना इस बार, और बदल करके मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करके देखना है, उसमें भी चेक करके देखना है कि उसमें भी क्या दिस सर्विस इज अनेबल आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या करना है, वहाँ पे देखिए विंडो खुला हुआ रहेगा, आपका बैक जाने के लिए होता है और एक फॉरवर्ड जाने के लिए होता है। तो उसके बाद आपको रिवर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। एक बार में नहीं होता तो दूसरा बार ट्रैक कीजिए, दूसरा बार नहीं होता तीसरा बार ट्रैक कीजिए, आपका कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा और वेबसाइट रन करेगा। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम, जो दिस सर्विस इज अनेबल का ऑप्शन आ रहा है उसका। अब बात करते हैं ये प्रॉब्लम बहुत ऐसे किसान है और उन किसानों का आ रहा है जो कि केवाईसी करते समय ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नए नए किसान का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत ही सीएससी संचालक लोग। अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको ब्राउजर को चेंज कर देना है, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर से इस्तेमाल नहीं करना है, आपको मोजिला फायरफॉक्स से इस्तेमाल करना है, और मोजिला फायरफॉक्स से ही केवाईसी आपका होगा झारखंड राज्य फसल राहत योजना का, उसी से आप कर पाएंगे। आप क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करके आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। अगर केवाईसी करने के लिए जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा दिखाई देगा। तो ये था दो प्रॉब्लम, और दो बिग प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन करके हमने दिखा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं आखिरी डेट का। तो आखिरी जो डेट है वो 30 सितंबर है,